यूपी की दिव्यांग पेंशन का पैसा आपको अब तक क्यों नहीं मिला है? क्योंकि यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के कई सारे लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन का पैसा मिल चुका है, लेकिन कई लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनको अभी भी दिव्यांग पेंशन का पैसा नहीं मिला है जुलाई, अगस्त और सितंबर की। हालांकि यहाँ पर कई लोगों का पेमेंट PFMS पोर्टल पर लग चुका है, लेकिन पैसा खाते में नहीं आया है। पेंडिंग ट्रेजरी लेबर पर पेंडिंग दिख रहा है, किसी का फंड पेंडिंग दिख रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि किस वजह से पैसा नहीं आया है। तो यहां पर वजह है KYC। अगर आपने अभी तक अपनी दिव्यांग पेंशन की KYC नहीं करवाई हुई है तो आपको यहां पर दिव्यांग पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। KYC कराने के लिए लगातार विभाग द्वारा कहा जा रहा है, इसके अलावा कई सारे न्यूज़पेपरों में भी दिया जा रहा है KYC कराने के लिए। मैं आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कई सारे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने कहा है कि आप KYC करवाइए फटाफट और अब विभाग में जाकर के आप KYC अपनी दिव्यांग पेंशन की करा सकते हैं। इसके अलावा Family ID आप लिंक कराइए, अपने पेंशन से Family ID को लिंक कराइए और आधार मैपिंग कराइए, यानी कि NPCI को लिंक कराइए। ये तीन चीज़ें हैं और कई सारे लाभार्थी हैं, किसी जनपद में 5,000 है, 8,000 है, 10,000, इस तरीके से करके कई लाभार्थी हैं जिनका अभी भी KYC नहीं हुआ है, किसी का NPCI नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम के चलते दिव्यांग पेंशन का पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है अपनी पेंशन स्थिति, आपकी पेंशन की KYC है या नहीं है, आधार सीडिंग एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसको चेक कर लेना है, Family ID लिंक है या नहीं है। ये तीन चीज़ें आपको घर बैठे ही आप चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिव्यांग पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा आधार सत्यापन का। आधार सत्यापन के कॉलम में आपका वेरीफाइड लिखा होना चाहिए, वेरीफाइड लिखा होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए कब वेरीफाई हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपका हाल ही में वेरीफाई किया गया है 10वें या 8वें महीने में, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट किस्त में पैसा मिले। अगर आपने हाल ही में KYC करवाया हुआ है तो आपको नेक्स्ट किस्त में पैसा मिल सकता है, इस किस्त में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नेक्स्ट किस्त में आपको दोनों किस्त का पैसा हो सकता है मिल जाए। लेकिन अगर आपका क्रॉस बना हुआ है, आधार सत्यापन के कॉलम में क्रॉस बना हुआ है, वह कॉलम खाली आ रहा है, तो आपको अपने विभाग में जाना है और वहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड लेकर जाना है, वहां से आपको KYC अपने फॉर्म की करा लेनी है। इसके बाद वहां पर आपको स्टेटस में एक कॉलम और देखने को मिलेगा, वह है Family ID का। Family ID के कॉलम में देखें वहां पर अगर आपका Family ID नंबर लिख करके आ रहा है तो आपकी Family ID लिंक है, और यदि ब्लैंक आ रहा है तो आप अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है, जो राशन कार्ड नंबर है वही आपका Family ID नंबर होगा। और यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना है, किसी राशन कार्ड में आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको Family ID की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से आपको एक Family ID क्रिएट कर लेनी है, Family ID बना लेनी है। उसके बाद आप उसको विभाग में जमा कर सकते हैं या वेट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक हो जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप है यहाँ पर NPCI लिंक का। आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस का, उस पर क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट से NPCI है, DBT लिंक है या नहीं है, एक्टिव लिखा होना चाहिए। अगर आपका इनएक्टिव लिखा हुआ है तो आप अपने बैंक में जाकर के NPCI को लिंक कराइएगा। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी है। और जिनका भी PFMS पोर्टल पर पैसा लगा हुआ है, पेंडिंग में दिख रहा है ट्रेजरी स्तर पर, वेट करें, ट्रेजरी से पास होने के बाद, पेमेंट पास होने के बाद खाते में पैसा आएगा। अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, पास नहीं हो रहा है, काफी दिनों से पेंडिंग ही दिख रहा है। वैसे पहले क्या होता था कि 1 से 2 दिन में या 3 दिन में अधिकतम पैसा पास हो जाता था और खाते में आ जाता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि 15 दिन तक पेंडिंग में जा रहा है, 20 दिन तक, कई दिनों तक पेंडिंग में ही दिखाता रह रहा है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जैसे ही पेमेंट पास होगा, अप्रूव होगा, आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा और जैसे ही पेमेंट खाते में आना शुरू होगा तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।